छत्तीसगढ़ सुकमा के कोंटा के मुरलीगुड़ा में जिले में जादू टोने के शक में हेड कांस्टेबल के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ 5 दिन पहले बलौदा बाजार में भी जादू टोने के शक में 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वहीं अब इस मामले को लेकर प्रदेश में सियासत जोरों पर है। एक तरफ जहां बीजेपी ने मामले में चिंता जताते हुए कहा कि केवल कानून और सरकार के भरोसे से खत्म नहीं किया जा सकता, वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर अंधविश्वास बढ़ाने का आरोप लगाते हुए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। निश्चित रूप से आज हमारे देश में या राज्य में इस प्रकार के विश्वास करने वाले लोग आज भी हैं जो अंधविश्वास और जादू टोना की बातों को विश्वास करते हैं। कहीं न कहीं ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है, लेकिन जो इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं और समय समय पर घटनाओं की जानकारी भी आती रहती है, तो इसके लिए सरकार पूरी तरह से सख्त है और कोई भी जादू टोना कैसे केस हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करती है। केवल सरकार और कानून के भरोसे इस प्रकार की घटनाओं को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है। जब तक समाज में इसके लिए जन जागरूकता नहीं आएगी, लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगा, तो ये हम सभी का दायित्व है कि मिलकर नीचे तबके तक जो इस प्रकार के अंधविश्वास और जादू टोना को मानते हैं उनके तक जन जागरूकता लाना चाहिए कि हमारी तैयारियां तो सदैव रहती हैं, क्योंकि हमारा कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और हमारी संरचना नीचे में बूथ स्तर तक बहुत मजबूत है। और क्योंकि ये सीट 40 साल से पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो कांग्रेस का उनका इंटरनल मामला है कि वो किस रूप में बैठक करते हैं। बैठक करें, करना भी चाहिए, और पहले भी खूब बैठक इनकी हुई है, विधानसभा में भी लोकसभा में भी, वो सारा रिजल्ट आपके सामने है। इसका मतलब ये है कि अंधविश्वास को जो बढ़ावा मिल रहा है ये सबसे बड़ा कारण है। आप अंधविश्वास को बढ़ावा देने के काम, पहले तो सरकार के द्वारा अंधविश्वास निवारण कार्यक्रम चलते थे और यहाँ बढ़ चढ़ कर सब सरकार ही उसमें शामिल होती है अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए, और इस कारण से ये घटनाएं घट रही है। तो एक दिन में थोड़ी घटना वो ये बात आती है, वो तो लगातार लोगों के मन में बातें पैट करती जाती है और वो मजबूत होते जाता है, उसके कारण से ये इस प्रकार की घटनाएं आती हैं। तो सरकार खुद बढ़ावा दे रही है अंधविश्वास को, तो इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार ही है ना। चलिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से धनंजय ठाकुर जी और बीजेपी से केएस चौहान जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल केएस चौहान जी आपसे है कि 12 दिनों में 9 लोगों की हत्या हुई है और कांग्रेस ने आपकी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 9 लोगों की हत्या हुई है वो बहुत विडंबना है, और दूसरी बात ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि भूपेश बघेल पूर्व सीएम रह चुके हैं वो इतनी गैर जिम्मेदार कैसे बोल सकते हैं, और वो ये कैसे बोल सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और सरकार का हाथ है। आप मेरे को बताइए, प्रूफ बताइए, और अगर प्रूफ है और अगर सरकार का हाथ है तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? विपक्ष में रहते हुए आप क्या कर रहे हैं? सोए हुए हैं? आप कोर्ट में जाइए, पुलिस से रिपोर्ट दिखाइए। क्यों नहीं दिखाई आपने? आप पुलिस में क्यों नहीं गए? और अगर मान लीजिए कि किसी भी जनप्रतिनिधि या कोई क्या बोलते हैं कार्यकर्ता का हाथ है या पार्टी का हाथ है तो आप जाइए, सरकार का हाथ है तो जाइए। उल्टा ये इसके ये बढ़ावा बोल रहे हैं क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील, जागरूकता अभियान चलाती है और कड़काई से कसावट लाने की कोशिश करती है, मीटिंग लेती है कि प्रशासन और शासन की पूरी मीटिंग हो, कार्यपालिका और न्यायपालिका की मीटिंग हो, विधायिका की मीटिंग हो, ये मीटिंग लेनी है। इससे क्या है, इनके पास कुछ जवाब है नहीं, उस मीटिंग का कोई जवाब नहीं था। अभी ये बहुत गैर जिम्मेदारा ना उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इसमें सरकार रिस्पॉन्सिबल है। कैसे है? कैसे है?
न्यायपालिका पर भरोसा कीजिए, रिपोर्ट्स दिखाइए, कोर्ट में जाइए, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? मैं समझता हूँ जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए अगर न्यायालय जाने की बात करते हैं तो मैं इनसे कहता हूँ कि मुख्यमंत्री पद से विष्णु साय जी को इस्तीफा दिला दे, स्वास्थ्य मंत्री पद से जसवाल जी को इस्तीफा दिला दे, क्योंकि ये निकम्मी और कायर सरकार है जो जनता की रक्षा नहीं कर पा रही है और जो विपक्ष आवाज उठाती है। तो कोर्ट की बात करते हैं, ये पूछ रहे हैं सबूत की बात, इनको बताता हूँ सबूत क्या है। कांकेर लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी ने क्या कहा था कि नींबू मिर्ची बांध का सभी समस्याओं का निराकरण कर देंगे, ये अंधविश्वास नहीं है तो क्या है? इसी अंधविश्वास के चलते इस प्रकार से जादू टोना की हत्याएं हो रही है, इसके लिए पूरी तरीके से विष्णु साय जी जिम्मेदार है, जेपी नड्डा जी जिम्मेदार है। मैं तो कह रहा हूँ ना, अंधविश्वास को रोकना चाहिए, और अंधविश्वास तब पनपता है जब लोगों को प्रॉपर तरीके से सुविधाएं नहीं मिलती है। अगर कोई बीमार होता है घर का व्यक्ति, अगर उसका इलाज होता है, लगातार अगर इलाज में कोई कमी रहती है, तब जाके अंधविश्वास वहां पे जन्म लेता है। वो दौर याद करिए जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, गांव गांव में हाट बाजार क्लिनिक होता था, लोगों के इलाज की सुविधाएं मिलती थी, बीमारी से राहत मिलता था, ये सारी चीजें इन्होंने बंद कर दी है। ये बोलते हैं सबूत कोर्ट में है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। एक पांच लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है अंधविश्वास चलते, उसे पुलिस हेड कांस्टेबल है, जब पुलिस यहाँ पे असुरक्षित है और सरकार में बैठे लोग इस प्रकार की बात करते हैं, बताइए नींबू मिर्चे बांधने की बात किसने किया था? तो अंधविश्वास नहीं है तो क्या है ये? असल में भारतीय जनता पार्टी आम लोगों की रक्षा नहीं कर पा रही है, विपक्ष अगर आवाज उठाए तो कोर्ट जाने की बात करते हैं। नकम्मा और नकायर सरकार में लोग बैठे हुए हैं। आइए आपकी सरकार को निकम्मी और कायरों की सरकार बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? आपकी सरकार के राज में पुलिस सुरक्षित नहीं है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ भी बोलने से पहले ना किसी चीज का आधार होता है। अगर आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं या कोई मतलब उंगली भी उठा रहे हैं तो किसी चीज का आधार होता है। आप मेरे को ये बता दीजिए कि क्या जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो इससे घटना नहीं होती थी? पांच लोगों को पैरे में जला से मार डाला गया था, वो क्या था? वो क्या अंधविश्वास नहीं था? ये तो जो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो एक एजेंडा है वो ये है कि अंत्योदय तक पहुंचना, अपनी जागरूकता को अंत्योदय तक पहुंचाना, अपनी योजनाओं को अंत्योदय तक पहुंचाना, जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा होगा। अभी बोलते हैं ये इस्तीफा दे, अरे आपको इस्तीफा दिया, आपको उजाड़ दिया गया, आपको धकेल दिया गया, आपको हटा दिया गया, यहाँ छत्तीसगढ़ से यहाँ की जनता ने, ये जनता करेगी तय, और तय किया जनता ने पांच महीने बाद लाट मार के भलाएगी जनता, पांच साल बाद लाट मार के भलाएगी इस कायर और निकम्मी सरकार को। ये कायर लोग बैठे सरकार में, कायर लोग निकम्मे लोग, यह पुलिस सुरक्षित नहीं है, ये कायर लोग बैठ गया सरकार में, निकम्मे लोग बैठ गया सरकार में, ये कायरों की सरकार है, ना पुलिस की रक्षा कर पा रही है, ना जनता की रक्षा कर पा रही है। ये मोदी की गारंटी के नाम से तेल बेचने वाले लोग सरकार है, ये कायर लोग है, कायर आम जनता की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पुलिस के लोग मारे जा रहे हैं, आम जनता मारे जा रहे हैं, ये कायर लोग बैठे सरकार में, इनमें क्षमता नहीं, साहब ने सरकार चलाने की, ना आदिवासी की रक्षा कर पा रहे हैं, ना लोगों की रक्षा कर पा रहे हैं, ना पुलिस की रक्षा कर पा रहे हैं, कायर लोग बैठे सरकार में, प्रशासन में नियंत्रण नहीं है। के एस चौहान जी, भाजपा प्रवक्ता जी, और धनंजय ठाकुर जी कांग्रेस का, आप दोनों का, मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुकमा के कोंटा के मुरलीगुड़ा जिले में जादू टोने के शक में हेड कांस्टेबल के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ पांच दिन पहले बलौदा बाजार में भी जादू टोने के शक में चार लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पक्ष विपक्ष की बात की जाए तो एक और पक्ष जहां पर इस मामले में गंभीर होने और चिंता जता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उन्हें सरकार इस भाजपा के राज में ऐसी जिम्मेदारी, ऐसी हरकतों को बढ़ावा मिल रहा है, इसका आरोप कांग्रेस ने सरकार पर लगाया है।